नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल MS नॉलेज हब में। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि श्रमिक का पंजीकरण कैसे होता है और लेबर रजिस्ट्रेशन के बारे में, आपको आप कैसे लेबर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कैसे आप घर बैठे ही अपने खाते में 1,000 रुपये पा सकते हैं, इस सब के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। हाल ही में जो है राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों ने मिलकर सभी जितने भी मजदूर हैं 11 लाख मजदूरों के खाते में योगी सरकार ने भी और जो केंद्र सरकार उन्होंने मिलकर 1,000 रुपये डाले हैं। तो ये 1,000 किन मजदूरों के खाते में आ रहे हैं और किन किन सेवा का लाभ मिलेगा, किन किन लोगों के एक अकाउंट में 1,000 रुपये आने वाले हैं, आप भी जो है ऑनलाइन कर सकते हैं। तो मैं इसमें बताऊंगा कि आप कैसे एक ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं, कैसे आप श्रमिक या मजदूर अगर आप हैं तो आप अपना वेबसाइट पर घर बैठे ही इसका पंजीकरण कर सकते हैं और पंजीकरण होने के बाद आपको वेरीफाई होगा, वेरीफाई होने के बाद आपके खाते में 1,000 रुपये आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, जो कोरोना वायरस है इसके चलते हुए जो लॉकडाउन हुआ है इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव जो जो लोग दिहाड़ी वाले मजदूर थे या और कोई जो मजदूर थे उन लोगों पर सबसे अधिक पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास दैनिक जो मजदूरी नहीं है। तो सरकार ने इन सबको ध्यान में रखते हुए एक बजट पास किया था जिसमें लगभग 11 लाख मजदूरों को अब तक 1,000 रुपये अकाउंट में दिए गए हैं, अर्थात ये 3 महीने तक दिए जाने हैं। तो इसके लिए जो सरकार ने किन मजदूरों को दिया है, मजदूर बहुत होंगे आपके आसपास में, मगर ये उन्हें दिए गए हैं जो पंजीकृत हैं, अर्थात जो सरकार के जो इस पोर्टल पर सरकारी उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य जो पोर्टल है इस वाले पोर्टल पर जिस भी रजिस्टर्ड जितने भी लोग हैं उन्हें दिए गए हैं। तो आप भी अपने जल्द से जल्द इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और बहुत ही ईजी है, मैं आपको बताऊंगा कैसे इसमें रजिस्ट्रेशन करना है और आप घर बैठे ही इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। या आप अगर इसमें खुद ना कर पाएं, आपके पास इस तरह की सुविधा नहीं है, तो आप निजी जो भी आपके पास का जो भी जनसेवा केंद्र है वहां जाकर भी इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है, मैं आपको बताता हूँ रजिस्ट्रेशन कहता है कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको जो है गूगल पे जाना है और इसमें डालना है UPBOCW, ये डालकर आप सबसे पहला जो लिंक होगा ये वाला लिंक ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने वेबसाइट का पंजीकरण होगा और इसमें आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ही दिखेगा। तो इसमें आपको जो है मुख्य पृष्ठ है BOCW वाली का ये वेबसाइट है, उसके बाद आपको श्रमिक वाला जो कॉलम है जहाँ पर तीसरे नंबर का श्रमिक वाला कॉलम है, इस श्रमिक वाली कॉलम में आपको दिख रहा होगा श्रमिक पंजीकरण। तो आपको श्रमिक पंजीकरण पर जाना है, इस पर क्लिक कर देना है। श्रमिक पंजीकरण पर जाने के बाद आपको सिंपली दो चीज़ आपके पास होनी चाहिए, सबसे पहले आधार कार्ड, उसके बाद आप अपने जिले का जो भी जिस भी जिले से आप बिलोंग करते हैं उस जिले का यहाँ आप अपने चुन लीजिएगा, उत्तर प्रदेश के जिस भी जिले से आप बिलोंग करते हैं, और अपना आधार कार्ड यहाँ डाल दीजिएगा। आधार कार्ड डालने के बाद आपको एक मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा और उस पर OTP आएगा, OTP मंगाने के बाद उस OTP को आप यहाँ डालेंगे और उसके बाद प्रमाणित करेंगे। फ्रेंड्स, जैसे ही आप इसमें अपनी सब चीज़ें फिल कर देंगे उसके बाद यहाँ से आपको प्रमाणित करना है। प्रमाणित करने के बाद आपका नंबर प्रमाणित हो जाएगा और आपको यहाँ सबमिट करना है। सबमिट करते के साथ ही जो आपके पास है ना यहाँ पर एक मैसेज आएगा जिसमें आपका पासवर्ड और लॉगिन आईडी मिलेगी। मैं यहाँ अपना पहले ही कर चुका हूँ तो मेरा ये पहले से पंजीकरण दिखा रहा है। तो आपको यहाँ क्या करना है, जब आपके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड आ जाएगा तो लॉगिन आईडी में आपका आधार नंबर रहेगा और पासवर्ड जो उधर से आपको जनरेट मिलेगा। तो मैंने कर रखा है, तो फिर मैं क्या उसके बाद आपको करना है क्या, आप यहाँ लॉगिन पे जाएंगे, गो टू लॉगिन, जब आपका रजिस्ट्रेशन ये हो जाएगा उसके बाद आप लॉगिन पे जाएंगे यहाँ पर और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद जो आपको यूजर नेम में आपको अपना जो आधार नंबर डालना है और आधार नंबर डालने के बाद उसके नीचे पासवर्ड डालना है, जो पासवर्ड आपको मोबाइल पे भी एक मैसेज आएगा, उस मैसेज में पासवर्ड मिलेगा और आपको वेबसाइट पे भी डायरेक्ट वो दिखेगा। तो आप वहां से वो पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे, ऊपर अपना आधार नंबर डाल देना है जो आपका यूजर नेम रहेगा और नीचे आपको पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ लॉगिन पर करना है। लॉगिन करते के साथ ही आपका ये नेक्स्ट पेज का ओपन हो जाएगा आपके सामने। यहाँ पर आपको सामने लिखा हुआ आएगा कि आपका पोर्टल में स्वागत है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर श्रमिक पंजीकरण में जाना है। अगर आपका पंजीकरण नहीं हुआ है तो आप इस श्रमिक का पंजीकरण फॉर्म पर क्लिक करेंगे, उसके सामने आपको एक फॉर्म दिखाई देगा, ये आपका फॉर्म यहाँ पर खुल गया है। इसमें आज की जो आवेदन की तिथि लिखकर आएगी, यहाँ पर आपको अपना जो फोटो अपलोड करना है। फोटो अपलोड करने के बाद आपको जो है अपना यहाँ पर नाम डालना है इंग्लिश में, फिर श्रमिक का जो नाम है, ये जो नेसेसरी चीज़ें हैं यहाँ पर भर देनी है आपको। आपका मोबाइल नंबर इसमें आ जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें है वो आप ये इसका जो आवेदन का जो व्यवहार पता है या स्थायी पता है वो आपको यहाँ डालना। अगर दोनों एक ही हैं तो आप सेम है, फिर यहाँ पर टिक कर सकते हैं इस तरीके से, तो दोनों में एक ही पता डलेगा। उसके बाद आपको यहाँ अपना ये बताना है कि लास्ट के एक साल में आपने कितने महीने या कितने दिन काम किया। तो जितने भी दिन आपने लास्ट के एक साल में कितने दिन काम किया है वो आपको यहाँ डालना है।
और उसके बाद इसमें आपने 1 वर्ष काम किया है या 2 वर्ष करना है इसमें। और जो आपका जो नॉमिनी है, नॉमिनी मतलब आप अपने घर के किसी भी सदस्य का यहाँ नाम फिल कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है खाता नंबर, आपको यहाँ अपना खाता नंबर भरना पड़ेगा, IFSC कोड भरना पड़ेगा बैंक का, श्रमिक का बैंक का नाम डालना पड़ेगा और बैंक शाखा जो भी आपके जिस भी बैंक शाखा से होगा। अब मैं इसकी कुछ कंडीशन आपको बता देता हूँ कि क्या क्या जरूरी है। तो इसमें जो है इनकम जो है 5,000 रुपये मंथ है, या 5,000 या 6,000 रुपये 7,000 रुपये मंथ कोई भी श्रमिक हो जो प्राइवेट क्षेत्र में लगा हुआ हो, चाहे वो ईंट भट्टे पे हो, चाहे वो किसी भी फर्म में दुकान पर शॉप पर या किसी काम सीखने वाला हो कोई, मतलब या कोई रिक्शा चालक हो या कोई ऑटो ड्राइवर है, मतलब किसी भी तरीके का, एक तरीके की सब मजदूरी के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसा कोई भी इस काम में अगर कोई लगा हुआ है जिसके इनकम जो 5-6 हज़ार रुपये मंथ है तो वो इसमें फिल कर सकता है। जो किसी का दिन काम कर रहा है मजदूर उसे कहा था, जो किसी का दिन काम कर रहा है जिसका अपना सेल्फ का बिजनेस है वो इसके अंदर नहीं आ सकता। अगर आपके अपने ऑटो है या वो कोई भी अपना बिजनेस है तो आप इसे नहीं भर सकते, परंतु आप किसी का दिन रहकर काम कर रहे हैं प्राइवेट तरीके से तो आप मजदूरी में आते हैं। तो आप क्या करेंगे इसमें, आपको एक तो यहाँ पर पहली घोषणा यह है कि आप जितनी भी डिटेल भरेंगे वो आपके अनुसार बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, इसमें कोई भी छिपाया नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल आपको सच एकदम बताना है इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन डालनी है, यानी कि आप लाभ लेने के उद्देश्य से कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं देंगे। दूसरा है कि आपको पिछले 12 माह में 90 दिन का काम आपने किया हो कहीं भी, यानी कि 3 महीने का आपको वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और लगातार भविष्य में भी आप उस काम को करते रहना है, यानी कि आपको 90 दिन पहले और 90 दिन बाद का भी वो काम आप उससे जुड़े हुए होने चाहिए। तो ये इसमें एक शर्त है। दूसरी है कि इसमें अगर आपके द्वारा कोई गलत जानकारी दी गई है या आपने कोई चीज़ इसमें छुपाई है तो आपको ये पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा, आपको कोई भी पैसा नहीं मिला। अगर आपको मिल गया है, आपने सेवा का लाभ ले लिया है, इसका आपका अकाउंट में 1,000 रुपये आ गए हैं परंतु आप मजदूर नहीं है या किसी भी ऐसे कार्य में लगे हैं तो आपके भी 1,000 रुपये वापस हो जाएंगे। इसमें क्या है, अब इसके सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, एक इसमें बस आधार कार्ड चाहिए, एक बैंक की पासबुक और एक नियोजन प्रमाण पत्र। नियोजन प्रमाण पत्र है आप जिस भी फर्म में, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में, संस्था में जहाँ भी वर्क कर रहे हैं, जिसके भी अधीन आप कार्य कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, वहाँ से आपको नियोजन प्रमाण पत्र बनवाना है। वहाँ से आपको नियोजन प्रमाण पत्र कैसा होता है मैं दिखाता हूँ आपको। ये है नियोजन प्रमाण पत्र का प्रारूप। इसमें बस ये है, जो भी संस्था में आप वर्क कर रहे हैं, जिसके भी दिन कार्य कर रहे हैं, वो आपको एक प्रमाण पत्र देगा कि ये व्यक्ति हमारे यहाँ इतने दिनों से काम कर रहा है या कर चुका है अब तक, और ये इनको मैं श्रमिक के रूप में जानता हूँ, अर्थात ये श्रमिक है, मजदूर है, इतना ये है हमारे यहाँ ये ऐसा ये काम कर चुके हैं। तो ये आप वहाँ पर वो अपने साइन मोहर जिस तरीके से प्रमाणित करके आपको देगा, यही प्रमाण पत्र नियोजन प्रमाण पत्र कहलाता है। आप इस प्रमाण पत्र को अपने उस वेबसाइट पर, यहाँ पर नियोजन प्रमाण पत्र की जगह पेस्ट, इसमें अपलोड कर देंगे फाइल को। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ सबमिट करना है। सबमिट होने के बाद ये आपकी जो है स्टेटस इसकी हो जाएगा, आपके पास इसका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आने के बाद आपको क्या करना है, अपना 1 सप्ताह के बाद इसको स्टेटस चेक करनी है कि आपके ये जो है पंजीकरण स्वीकार करा गया है नहीं गया। अगर ये स्वीकार्य हो गया है तो आप इसका देख सकते हैं, आपको पंजीकरण का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ से मिलेगा, यहाँ से आप अपना पंजीकरण का सर्टिफिकेट ले सकते हैं आपको पंजीकरण करने के बाद। तो ये तो प्रोसेस था, मैंने आपको बताया है कि ऑनलाइन श्रमिक पंजीकरण कैसे करते हैं। अब जो भारत सरकार, जो केंद्र सरकार जितने भी जो मजदूरों को जो लाभ दे रही है, जितनी भी उन्हें आर्थिक सहायता मिल रही है, वो केवल उन्हीं लोगों को मिल रही है जो पंजीकृत हैं सरकार के साथ, जो सरकार की वेबसाइट पर पहले से उनका जो नाम जा चुका है। आप ये ना सोचे कि जो भी कोई आपके आसपास में कोई व्यक्ति है जो मजदूरी कर रहा है तो उसके खाते में पैसे क्यों नहीं आए। जब सरकार के पास खाता नहीं होने का, जब अकाउंट नंबर ही सरकार के पास नहीं है तो वो पैसे कहाँ से दे। तो सबसे पहले आपके पास जरूरी कार्य ये है कि आप वेबसाइट पर जाएं और अपना जो है मजदूरी वाला पोर्टल पर अपना आपको रजिस्टर्ड करें, जो अगर आप इसके इक्वल हैं। तो आपको ये वीडियो देखकर इसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास जो भी इस तरीके के लोग हैं जो मजदूरी कार्य से जुड़े हुए हैं उन तक पहुंचाएं ये जानकारी, और उनका उनसे, या आप इसमें सक्षम है तो उनका फॉर्म फिल भी कर सकते हैं आप, या उन्हें अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र पर भेजें। आप फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो में हमारे चैनल से, फ्रेंड्स आप हमारे चैनल यूट्यूब पर जाकर MS नॉलेज टाइप करेंगे, यहाँ से आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद आपको इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस में भविष्य में लाता रहूँगा, और जितने भी जो एजुकेशनल चैनल है मेरा, मैं इंफॉर्मेशन और नॉलेजफुल वीडियो अब हमेशा अपलोड करता रहता हूँ इसमें। तो सबसे पहले आपका कर्तव्य है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और जो भी अभी जो भी योजना इस समय सरकार कर रही है इन पर मैं लगातार वीडियो बना रहा हूँ, तो आपका कर्तव्य बनता है कि जिन लोगों की इन चीज़ों की आवश्यकता है उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाएं और चैनल को अधिक से अधिक जो है शेयर करें। फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।